फेसबुक पेज डीएक्टिवेट कैसे करें वो तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बट उससे पहले अगर फेसबुक प्रोफाइल डीएक्टिवेट करना चाहते हो इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना रखा है, ये वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको देख के आप फेसबुक प्रोफाइल को डीएक्टिवेट कर सकते हो। बात करते हैं फेसबुक पेज डीएक्टिवेट कैसे करना है। सबसे पहले आपको फेसबुक को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप फेसबुक ओपन करते हो सकता है आपने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को लॉग इन कर रखा हो, तो साइड में देखिए यहाँ पर प्रोफाइल फोटो आता है, ट्री आइकन आता है ना, यहाँ पर देखो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो सबसे पहले या तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हो या फिर ये देखो डाउन एरो आ रहा है, इस पर क्लिक करके अपने फेसबुक पेज को लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही आप फेसबुक पेज लॉगिन कर लेते हो फिर से यहां पर आपकी प्रोफाइल फोटो आएगी, ये पेज की आ रही है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हो अब देखिए गाइस यहां पर आपको सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। थोड़ा सा यहाँ पर देखो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, थोड़ा सा चेंज हो गया आता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा रहा है पेज सेटिंग्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा लिखा आएगा, एक्सेस एंड कंट्रोल लिखा रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो यहाँ पर लिखा है डीएक्टिवेशन एंड डिलेशन, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन है डीएक्टिवेट पेज। डीएक्टिवेट पेज आपको कैसे करना है वो तो आप आगे जान लोगे स्टेप फॉलो करके, बट इससे पहले कुछ जान लीजिए। जैसे ही आप अपने पेज को डीएक्टिवेट करते हो तो आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है, आपका जो नेम है और आपका जितना भी डेटा है वो सब पब्लिक की नज़रों से हट जाएगा। जब तक आपका पेज डीएक्टिवेट रहेगा तो आपका पेज डिसेबल हो जाएगा। जैसे ही आप डीएक्टिवेट करोगे फिर से आपकी प्रोफाइल और जो जितना भी आपका डेटा है वो है ना डिसेबल से अनेबल हो जाएगा, इस तरीके से जब आप डीएक्टिवेट करोगे। तो सिंपली आपको फर्स्ट ऑप्शन रखना है, देन आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू कर दो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यहां पर आपको अपनी फेसबुक प्रोफाइल का पासवर्ड दे देना है। मैं दे देता हूं, यहां पर मैंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल का पासवर्ड दे दिया है। यदि आपके याद नहीं है, आप भूल चुके हो, तो ये वाली वीडियो देख के आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल का पासवर्ड पता लगा सकते हो। इस वीडियो को देख के नहीं लगा पाते इस वीडियो को देख लीजिए, इस वीडियो को देख के आप फेसबुक का पासवर्ड चेंज कर सकते हो विदाउट ऑल्ड पासवर्ड के, भले ही याद ना हो आपके। दोनों वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देन आपको कंटिन्यू कर देना है यहां पर अपना पासवर्ड फिल करके। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहां पर ये आपसे पूछेगा कि आप अपने फेसबुक पेज को डीएक्टिवेट क्यों करना चाहते हो, ये आपसे रीजन जानने की कोशिश करेगा। मैं लिखूंगा दिस इज टेम्परेरी, मैं बाद में यहां पर वापसी कर सकता हूं, टेम्परेरी वैसे ही कर रहा हूं, आप फर्स्ट रीजन सेलेक्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आपको कंटिन्यू कर देना है। अब आप चाहो तो यहां से फेसबुक को लॉग आउट भी कर सकते हो, इनमें से आप कुछ मत करना, नीचे देखो लिखा रहा है 7 days, इस पर क्लिक करके यहाँ पर अगर आप चाहो तो आपको 4-5 दिन के लिए या 7 दिन के लिए डीएक्टिवेट करना है, आप चाहते हो ऑटोमेटिक रीएक्टिवेट हो जाए तो आप डे इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपकी चॉइस है कि मैं जब चाहूँ जब रीएक्टिवेट करूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डोंट रीएक्टिवेट ऑटोमेटिकली, इस पर आपको क्लिक कर देना है, देन आपको कंटिन्यू कर देना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू करते हो अगर आप चाहो अपने पेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो, या फिर आप अपना जो एडमिन है ना फेसबुक का ये भी चेंज कर सकते हो। देखो भाई मैंने एडमिन एक बंदा बना रखा है, मोहम्मद सैफ मैंने एक बंदे को बना रखा है, अब अगर आप चाहो तो बना सकते हो। अब एडमिन कैसे बनाते हैं मैंने इसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, एडमिन चेंज कैसे करना है, ये वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसको देख के आप एडमिन भी बना सकते हो अपने पेज का किसी और को। देन आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करते हो तो यहां पर आपके सामने लिखा आएगा डीएक्टिवेट पेज, सिंपली इस पर आपको क्लिक करके अब आपका जो फेसबुक पेज है वो डीएक्टिवेट हो गया है। इस तरीके से फेसबुक पेज डीएक्टिवेट करना तो आ गया है, रीएक्टिवेट करना भी सीख लीजिए। सिंपली यहाँ पर आपको थ्री आइकन पे क्लिक करके आपकी प्रोफाइल ओपन हो रखा है, देखो यहाँ पर हमारा पेज नहीं आ रहा है बिकॉज रीएक्टिवेट हमें करना है, डीएक्टिवेट हो रखा है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यहाँ पर देखो सेटिंग एंड प्राइवेसी आता है, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर देखो लिखा रहा है प्राइवेसी शॉर्टकट्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, अपडेट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करके देन यहाँ पर एक्सेस एंड कंट्रोल पे क्लिक करके
रीएक्टिवेशन लिखा रहा है, देन यहाँ पर देखो आपका जो पेज है वो डीएक्टिवेट हो रखा है। रीएक्टिवेट आपको सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप इजीली इसको क्या कर पाओगे, रीएक्टिवेट। तो यहाँ पर देखो हमारा पेज भी वापस आ गया है, आप अब देख सकते हो प्रोफाइल पेज दोनों हो गया है बिकॉज हमने उसको रीएक्टिवेट कर लिया है। आई होप आपने डीएक्टिवेट एंड रीएक्टिवेट दोनों करना सीख लिया होगा। वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और भी प्रेस कर देना ऐसी और वीडियो देखने के लिए।